फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना आर्ट एंड लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए एयर ड्राई क्ले की होममेड रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आपके यहां एयर ड्राई क्ले अवेलेबल नहीं है तो आप इजीली घर पर बना सकते हैं, और वो भी बहुत इजीली अवेलेबल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन ले ले और उसमें एक कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे और सेम कप से मेजर करके 1 कप फेविकोल या फिर किसी भी तरीके का वाइट ग्लू डाल ले। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर ले, लम्स नहीं रहने चाहिए। अब इसमें हमें मिक्स करना है 2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर या फिर लेमन जूस एज अ प्रिजर्वेटिव, और 2 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल और थोड़ा व्हाइट एक्रेलिक कलर। अगर आप क्ले का कलर बिल्कुल व्हाइट चाहते हैं तो अदरवाइज ये व्हाइट कलर वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम पकाएंगे। उसके लिए गैस ऑन कर ले और फ्लेम को लो रखे। अब इसे कंटिन्यूसली स्टीर करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका ले। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि नीचे से पैन को छोड़ने लगता है। आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स न पड़े, और जब ये नीचे से पैन को छोड़ दे दैट मीन्स अब ये रेडी है। और अब इस टाइम हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अपने किचन प्लेटफॉर्म को ग्रीस कर ले इसे गूंथने के लिए। हम इसे गर्म में ही गूंथना स्टार्ट करेंगे। हाथों पे भी थोड़ा ऑयल लगा ले और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। आप इसे जितना ज्यादा गूंथेंगे आपका क्ले उतना ही सॉफ्ट बनकर आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको ये ज्यादा हार्ड लग रहा है तो थोड़ा ग्लू ऐड कर सकते हैं, या फिर ज्यादा लूज लग रहा है तो आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर ले, और इसकी कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरह की चाहिए। इस तरह से ड्रॉप जैसा शेप बनेगा। अब इसे स्टोर करने से पहले ऊपर थोड़ा ऑयल या फिर लोशन लगा ले। अब एक लॉक बैग लेंगे या फिर आप नॉर्मल बैग भी ले सकते हैं, और इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। अब एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इसमें इस तरह से इसे स्टोर करेंगे। तो इस तरह से आप 3 से 4 मंथ तक आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं, और इसे आपको फ्रीज में नहीं रखना है, इसे नॉर्मल ही रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। तो इस तरह से आपको जितनी क्ले की जरूरत हो निकाल ले और बाकी को उसी तरह से पैक करके रख दे। तो इस तरह से आपका क्ले काफी दिनों तक लास्ट करेगा। अगर आप इसे बाहर खुली हवा में छोड़ेंगे तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। इसे आप एज इट इज ही अपने क्राफ्ट के लिए यूज करके अपने क्राफ्ट में बाद में कलर कर सकते हैं, या फिर क्राफ्ट को पहले ही कलर करके क्राफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्ले को कलर करने के लिए आप किसी भी तरह का कलर ले ले और आप उसे इस तरह से कलर कर ले। मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने क्ले को मनचाहे रंग में कलर कर सकते हैं और अपने क्राफ्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे इस तरह की छोटी एयर टाइट प्लास्टिक बैग में रखकर आप स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको इस क्ले के साथ एक छोटा सा फ्लावर डेमो दिखा रही हूँ। ये क्ले रेसिपी मैंने भी पहली बार ट्राई किया है और ये मुझे बहुत ही पसंद आया। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये काम करने में बहुत ही इजी है, और साथ में जो इनके इंग्रेडिएंट्स है वो आसानी से मिल भी जाते हैं और काफी सस्ता भी है। तो अगर आपको क्ले नहीं मिल रहा है तो इजी वे से आप घर पर ही बना सकते हैं। तो आप भी इस क्ले की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें।
तो अब मैं आपको इन दोनों के बड़े डिफरेंसेस के बारे में बता देती हूँ। ये जो फेविक्रिल क्ले है वो ड्राई होने में 1 से 2 घंटे ही लगते हैं, जबकि ये होममेड क्ले को ड्राई होने में 24 आवर्स लग जाते हैं। और दूसरी डिफरेंस ये है कि फेविक्रिल क्ले सूखने के बाद भी एज इट इज ही रहता है, जबकि ये होममेड क्ले साइज में थोड़ा श्रिंक हो जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और फ्रेंड्स, फ्यूचर में मैं इस क्ले के साथ क्या क्या बनाती हूँ ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। सो दैट्स ऑफ द टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको एक क्ले की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।